एक सक्सेसफुल एंटरप्रेनर उनका जो माइंडसेट कैसे होना चाहिए, राइट? अगर ये माइंडसेट आपके पास नहीं है तो आप सक्सेसफुल एंटरप्रेनर नहीं बन सकते हो, राइट? हाँ, एम्प्लॉइज ऐसे ही बात करते हैं लेकिन एंटरप्रेनर ओनर कभी ऐसा बात नहीं करते हैं। अगर आप ओनर हो लेकिन इस तरह के बातें करते हो तो आपको सावधान रहना, ठीक है? नंबर वन देखते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स आता है उसको एकदम पॉजिटिवली अप्रोच करना, राइट? प्रॉब्लम्स आते हैं, यू लव प्रॉब्लम्स, ऐसा बोलना है। मैं 20 साल 25 साल पहले से यही शब्द बोल रहा हूँ कि आई लव प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, तकलीफ। किसी ने कुछ कर दिया, आपने साथ मजाक किया, चल अभी देखता मैं उसको, राइट? या कहीं परेशान हो गया, कहीं कुछ गलत हो गया, यू लव इट, क्योंकि वही एक अप्रोच होता है कि गलत हो गया तो आप उसको ठीक कर सकते हो, राइट? अरे बाप रे ऐसा हो गया यार, टेंशन है अभी, कुछ नहीं। ये एम्प्लॉय के लिए ठीक है जो काम करते हैं ना। मेरे कुछ पहचान के स्कूल्स है वहाँ पे, वहाँ की जो मैनेजर्स हैं वो बहुत सारे, सॉरी ओनर स्कूल्स, उनका 7-8 स्कूल है ब्रांचेस, लेकिन वो नए नए सिस्टम लेके आते हैं, जैसे स्टूडेंट्स का जो ऑटोमेटिक एंट्री होना, ऐसा वैसा बहुत सारे चीज़। लेकिन वहाँ की जो मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉय हैं, एडमिन हेड्स हैं, ये लोग रोते हैं, अरे यार ये क्या है, कितना काम करा दे ये लोग, ये नया नया सिस्टम क्या करने का, ये काम नहीं करेगा, क्यों ये लोग परेशान करते हैं ऐसा सब। मतलब वो अप्रोच है ना, तकलीफ होता है जो अप्रोच को पॉजिटिव लेना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोग पॉजिटिव नहीं ले, पॉजिटिव आप नहीं लोगे तो समथिंग वेरी डेंजरस दैट यू डोंट डू इट, ओके? लव दी प्रॉब्लम्स एंड एकदम फ्रेश माइंडसेट के साथ उसको फेस करने के लिए तैयार हो जाओ। ये माइंडसेट आपके पास नहीं है, आप कभी बिजनेस ओनर्स नहीं बन सकते हो। मेरे कोचिंग में बहुत सारे लोग आके इस तरह का कैटेगरी में आते हैं, वो प्रॉब्लम्स को देख के डर जाते हैं ना, तकलीफ को देख के डर जाते हैं, तो बोलते हैं आपको तो बिजनेस करना ही नहीं चाहिए, आपको अच्छी तरह से एक नौकरी करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस आपके लिए बस की बात नहीं है, राइट? सो एक हो गया। सेकंड हो गया, कोई भी चीज़ है ना, अडाप्ट करना सीखना चाहिए, राइट? कहीं पे कुछ आज मैं ऐसा चल रहा हूँ तो मतलब ज़िंदगी भर मैं ऐसे चलूँगा, ऐसा नहीं। कोई नई चीज़ आएगा उसको अडाप्ट करना चाहिए, कोई नई चीज़ है उसको चेंज करना चाहिए। टेक्नोलॉजी वाइज, इसकी वाइज करने के टाइम तकलीफ होगा, परेशानी होगी, कोई बात नहीं। दूसरा, नई नई चीज़ अडाप्ट करने के लिए रेडी हो जाओ, बस इतना ही सिंपल है। क्योंकि आप वही 25 साल 30 साल 50 साल पुराने वाला सिस्टम में चलोगे, मैं कभी कुछ चेंज नहीं करूँगा। न्यू जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन सॉफ्टवेयर, ये नई नई चीज़ें हैं, आप अपने कुछ सोच के चालू किया फिर वो बाद में चेंज हो। इंस्टाग्राम आपको मालूम होगा कि वो इंस्टाग्राम फोटो से नहीं चलता था उसका, वो स्टार्टिंग कुछ ओरिजिन अलग है, फेसबुक फेसबुक नहीं था, उनका कुछ सिस्टम अलग था। ये चलते 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 ये ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो अपने आप को अडाप्ट करने लगे थे, इसके लिए यहाँ तक पहुँच गए वो, ठीक है? और लेकिन प्योर आइडिया स्ट्रगल ये अलग हो गया, ओके? कोई आप एक मान के चलते वो अलग हो गया, चीज़ों को समझने की कोशिश करो, उसको गलत मीनिंग मत लेना। लेकिन आप जहाँ रास्ते पे चल रहे हो वहाँ पे कुछ चेंजेस करना है तो अडेप्ट करो, कोई आके बोलता है समझने की कोशिश करो। आप अडेप्ट करने से आपका लाइफ सेट होगा, मतलब आपका टारगेट अचीव कर सकते हैं, राइट? नंबर टू। नंबर थ्री, बहुत सारे एंटरप्रेनर मैनेजर्स को मैं देखता हूँ, वो हमेशा हर काम वो खुद ही करते हैं। उनको लगता है कि मैं करूँगा तो मैं सुकून मिलता है, दूसरा कोई करेगा तो मुझे उतना सुख नहीं मिलता है। आप सिर्फ एम्प्लॉय हो, एक इंडिविजुअल एक कारखाना नहीं चला सकती हो, क्या आप कंपनी नहीं चला सकती हो, क्योंकि आप बहुत सारे चीज़ में, बहुत सारे चीज़ें एक आदमी नहीं कर सकता। यू हैव टू डेलीगेट, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट, ये क्वालिटी आपके अंदर आना चाहिए कि वो आप कर सकते हो, देन यू कैन बी अ सक्सेसफुल मैनेजर। बस मुझे मालूम है एक ऐड डालना है तो भी ओनर बैठ के उसका पूरा फोटोज ढूंढते हैं, ये काम है क्या उनका? क्योंकि ये समझते हैं कि सब मैं करूँगा, ओके, मैं करने से ठीक होगा, लेकिन ये ऐसा कंपनी चलता नहीं है, राइट? अटक जाएंगे ये यहाँ पे, ओके? सो डोंट ऑलवेज ट्राई टू डेलीगेट, ऑलवेज टू गिव, डिस्ट्रीब्यूट द वर्क, और आपकी जैसे और सारे लोग बनाना है आपको, राइट? देन यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ, सक्सेस इन योर एंटरप्रेन्योर, ये हो गया। देन जो भी आप मेजरमेंट करते हो, जो भी क्लाइंट करते हो, उसका हर एक चीज़ का एक मेजरमेंट होना जरूरी है कि आज क्या हुआ, इसको क्या हुआ, मैं जो फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, मैं जो स्ट्रेटेजी कर रहा हूँ, ये हुआ कि नहीं हुआ, ये सही है गलत है, वो मेजरमेंट करना सीखो। एंड ऑफ द डे
कई कई कोचिंग क्लाइंट्स हैं ना, वो मैं उनको पूछा कि आपकी सुबह से ले के शाम तक उसका खर्चा कितना है, तो आइडिया नहीं है, इनकम कितना है आइडिया नहीं है, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, यू नो, ऐसा बहुत सारे चीज़ों का जो फैक्ट फिगर होना चाहिए एंड ऑफ द डे, है ना, वो रिजल्ट्स के लिए साथ नहीं चलते हैं. कुछ क्लाइंट्स है मेरे सिंगापुर या मलेशिया डेनो, बोलते हैं कि सर मैंने बहुत धंधा करता हूँ, ये करता हूँ, कहाँ था, लेकिन एंड ऑफ द डे मैं कुछ क्वेश्चन पूछा उसके पास, उनके पास फिगर्स नहीं है, बॉटम लाइन क्या है वो नहीं है. ठीक है, तो मेजर इट देन यू कैन करेक्ट. ये मेजरमेंट का कुछ आपके साथ होना चाहिए, राइट. एक हो गया. लास्ट में एक चीज बता दूं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका जंग कहाँ है, आपको कहाँ लड़ना है. ओके, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ पे लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो, किसके लिए लड़ रहे हो, एग्जैक्टली आपकी एनिमी क्या है, आपकी टारगेट क्या है, फिर ये गाड़ी रुक जाएगी, राइट. सो क्योंकि जहां पे भी दूसरे का काम है उसको सब बराबर बराबर दे दो, और जहां पे एक काम आएगा जो आपके लिए होगा उसमें बैठ जाओ और वहां पे वार करो और उसमें अचीव करो, राइट. अगर ये सब क्वालिटी आपके पास है तो यू कैन डेफिनेटली विन. अमेजोन में बोलते हैं, यू नो, अमेजोन का सीईओ बोलते हैं कि अगर आपकी टीम दो पिज्जा खाने से ज्यादा है, दो पिज्जा मंगाते हो वो टीम खत्म होना चाहिए, अगर ज्यादा है तो आप टीम को मैनेज नहीं कर पाओगे, राइट. बहुत सारे गड़बड़ होता है क्योंकि आपकी जो टीम मेंबर्स उससे ज्यादा होते हैं. हाँ, उनके अंडर में टीम होना चाहिए, आप जो कंट्रोल करते हो वो दो पिज्जा जो खाने वाले होते हैं उतना होना चाहिए. अगर ये सब अपरते हो देन यू कैन बी अ बेस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर.